घर पे बैठ के क्रिकेट मैच देखने के बदले जब आप स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखते हो, आपको दो चीज़ें नोटिस होती हैं। पहली चीज़, असली ह्यूमन इमोशंस, प्लेयर के जज्बात, क्राउड के जज्बात और आपके खुद के जज्बात, आप पूरी तरह से मैच में इन्वॉल्व हो जाते हो। पर दूसरी चीज़, स्टेडियम का एटमॉस्फेयर जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक था, दोनों देशों के फैंस के बीच बिजली थी और उस बिजली को हर प्लेयर और उस स्टेडियम में मौजूद हर प्राणी को महसूस हो रहा था। उसी बिजली के बीच एक योद्धा ने फिर से साबित किया कि ग्रेटनेस यानी कि महानता का असली मतलब क्या होता है। हमने ढूंढा एक बहुत रैंडम बाथरूम मेलबर्न के कोई खोखे में। ऐसा लग रहा है कि हम अभी मैच खेलने जा रहे हैं। That's true, cause the crowd is the 12th man, baby. Mazen, कैसे हो? ये तो फर्स्ट पाकिस्तानी फैन में मीटिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। It's always nice meeting Pakistanis. क्या लग रहा है मैच के बारे में? बस इंशाल्लाह देखते हैं जो अच्छा खेलेगा। ऑलराइट, और गुड मीटिंग यू मेरे भाई। क्या फील हो रहा है आज? बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ये एक्साइटमेंट है। Come on India! Come on! Yes! आपको कुछ कहना है भाई? सॉरी 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 मेरे भाई। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। मजबूरी में कहना पड़ता है भाई, कोई बात नहीं। मैं काफी सारे IPL मैचेस के लिए गया हूँ भाई, बहुत अलग होती है यहाँ, कम्पिटिटिव वाइब फील हो रही है और सब भारतीय एक साथ चीयर कर रहे हैं, बहुत बहुत अलग है। आई एम एक्चुअली फीलिंग लिटिल फायर्ड अप। मेरी फट रही है। हाय भाई, आर यू इंडियन? Okay, just stick with us then. Until yeah, until they go because I don't want to be beaten in the show. India jeetega. Pakistan. Good luck lads. Mujhe laga aise pakad ke marenge, but aise nahi hua. Kyunki this is real life. Everything's not a viral clip. हमारे साथ है नचिकेत, हमारे बिजनेस मैनेजर जो शायद दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट फैन है। क्या फील हो रहा है? बहुत, मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। इट फील्स लाइक अ ड्रीम। और जैसे ही स्टेडियम की तरफ और जा रहा है ना, तो हिट हो रहा है और कि इंडिया पाकिस्तान गेम एट MCG। जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, जस्ट वॉकिंग अप टू MCG। गुड लक गाइस। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में पहली बार क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ। ऐसे पहली इंटरनेशनल गेम है, वो भी इंडिया पाकिस्तान से, माय फर्स्ट इंटरनेशनल गेम, वो भी एट MCG। ओके, हमारी सेल्फी मोमेंट हो रही है। भैया कैसे हो? मजा आ रहा है? कुछ कहना चाहोगे पाकिस्तानी फैंस को? कहेंगे भाई इंडिया जीते, दिवाली गिफ्ट होगा। इंडिया समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। What is this? Explain this, guys. This is we're from the
US to be supporting both teams. Okay. Half of them, all their friends are Pakistani and Indian together. Nice. So it's good. Good energy. ऊपर से मेरी बीवी पाकिस्तानी में पाकिस्तानी की यही खासियत होती है, अगर आप दिल खोल के उनके पास जाते हो वो भी दिल खोल लेते हैं। बहुत सारे इंडियंस को ये बात पता नहीं है पाकिस्तानी के बारे में, और पता है हम बहुत सारे जियो पोलिटिकल पॉडकास्ट बनाते हैं जहाँ बहुत सारी बातें होती है, पर वो जियो पोलिटिकल बातें होती है, गवर्नमेंटल बातें होती है। इंडिया पाकिस्तान भाईचारा इज, और ऐसी मैसेजेस ना इंटरनेट पर और ज्यादा होनी चाहिए, ना कि गालियां, हेट, एनिमिटी। क्यों करना यार ये सब? Do you want to say anything to Indians watching this? आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि हमें कितना मजा आता है इन मैचेस में, और ऑनेस्टली लोग सब नफरत और लड़ाई के हिसाब से देखते हैं, लेकिन इस एक इवेंट, इस एक दिन पे लिटरली हमारी सारी पॉपुलेशन आर टुगेदर, मतलब आई थिंक वी नीड टू सेलिब्रेट दिस। हम सब साथ हैं, हम सब आज एंजॉय करेंगे, होपफुली एट द एंड ऑफ दिस लिटरली आज पूरे मेलबर्न पे देसीज का राज है। दिस इज वर्थ इट, सही है, मतलब जस्ट फॉरगेट योर डिफरेंसेस, मजा करो, खूब करो, एंड ऑल द बेस्ट। आज सबकी, आज सबकी यू नो विक्ट्री है बेसिकली। दिस इज वी आर गोइंग टू फील कि स्टेडियम में क्या होगा, अभी फर्स्ट लुक है स्टेडियम की। एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि हम तीनों को बहुत ज़्यादा अनरियल लग रहा है। बचपन में जब क्रिकेट की वीडियो गेम्स खेलते थे ना, तो इसी ग्राउंड को सिलेक्ट करते थे क्योंकि सबसे सुंदर ग्राउंड था। आज मेहनत की वजह से हम उसी ग्राउंड में घूम रहे हैं, हमारी पहली इंटरनेशनल मैच को अटेंड कर रहे हैं, वो भी वर्ल्ड कप ओपनर अगेंस्ट पाकिस्तान। बेस्ट लाइफ एक्सपीरियंस है यार। दोस्तों जो इस मैच में हुआ वो शायद हर भारतीय को और हर पाकिस्तानी को पता है। जहाँ विकटे गिरी, इंडिया काफी ज्यादा ट्रबल में, छक्के मारे गए, और हम सभी फैंस के जज्बातों को निचोड़ा गया। हमारी पूरी ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप में ये शायद हमारी हाईलाइट मोमेंट थी, जिसके लिए मैं टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया और विजिट विक्टोरिया को थैंक करना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया इतना ज़्यादा प्यारा देश है कि आपको ज़िंदगी में एक बार ऑस्ट्रेलिया विज़िट करना ही चाहिए, मेलबर्न विज़िट करना ही चाहिए, और इंडियन और पाकिस्तानी के बीच का देसी प्यार महसूस करना चाहिए। देसी एक ऐसा शब्द जो दोनों भारतीय और पाकिस्तानी फैंस खुद के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि असल में हम हैं तो एक ही, और यही होती है क्रिकेट की महानता, असली जज्बात। दोनों साइड के फैंस के जज्बात, दोनों देशों के जज्बात, और एक पूरे मेगा स्टेडियम के जज्बात जब ग्राउंड पर महसूस होते हैं, तब असली योद्धा निकल के आते हैं। इस दिन के योद्धा जिन्होंने दोनों देशों का सम्मान फिर से जीता थे विराट कोहली, और ऐसे ही मोमेंट्स में, ऐसे दिनों पर लेजेंड्स अपना नाम हिस्ट्री बुक्स में लिख देते हैं। विराट कोहली है हमारे देसी वॉरियर लेजेंड। ये एक ऐसा दिन था जिसके बारे में मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, उनके बच्चों को भी बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि मैं खुद एक पूरी भारतीय पीढ़ी की तरह ऐसे इस इंसान की वजह से पागलों जैसे इंस्पायर हुए थे। ये क्या देख लिया? बेस्ट एक्सपीरियंस। इस लेजेंडरी मैच के लिए दोनों टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा थैंक यू, और ऊपर वाला चाहे तो लॉन्ग टर्म में एक लेजेंडरी भाईचारे के लिए थैंक यू। इस मैच के स्टार और एक पूरे पीढ़ी के स्टार विराट कोहली ने फिर से साबित किया कि उन्हें एक लेजेंड क्यों माना जाता है। बेस्ट मेमोरी एवर।